हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लेट वाली कमीज़ की कटिंग बताने वाला हूं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट समझा देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये जो सी बनाया ये है चेस्ट 20 इंच तैयार है, कमर 18 इंच तैयार है, हिप 21 इंच तैयार है, यहाँ पे तीरा दोस्तों 15 इंच का है, नेक यानी कि गला फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक 7 इंच यानी कि आगे और पीछे का गला 7-7 इंच का है। तो इसको कटिंग कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं पेपर पे कटिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे कि हम सूट को इस तरीके से फोल्ड करते हैं और ये जो किनारी होती है, तो इस किनारी को आप ये समझ लेना, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपनी ये बताऊँगा आपको, तो ये समझ लीजिए डबल में फोल्ड है, ठीक है। तो मैं आपको ये डबल में फोल्ड करने की कटिंग बता रहा हूँ। तो इसको हम पेपर को इस तरीके से रख लेंगे या कोई कपड़े को भी आप रख लीजिए, और इसको सबसे पहले हम ऊपर एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद, चेस्ट 20 इंच की है तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर हम यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान दोस्तों जो हमारा आएगा, कमर का अंदाजा अगर आपने नाप लिया हो कमर का, अच्छी बात है। अगर नाप भूल गए हो तो यहाँ पर आप 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। तीसरा निशान आपका यहाँ पर 21.5 इंच पे ले लें या 22.5 पे ले लें, ये अपनी चॉइस होती है, ठीक है। किसी को नीचे पसंद होता है और किसी किसी को ऊपर से चाक ओपन पसंद होता है। तो यहाँ पर आप इन तीनों निशानों को हम इसके मदद से देखिए सीधा कर लेंगे पूरा। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे पूरा निशान लगा लिया। अब ध्यान से देखें, अपना मेजरमेंट हमें रखना है। तो मेजरमेंट कैसे रखेंगे, 20 है तो उसका आधा 10, यहाँ पे देखिए यहाँ से 10 रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कमर 18 है तो हमें यहाँ पर देखिए 9 इंच है, तो हमें इस तरीके से दोस्तों निशान लगाना है। ये 18 का निशान हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, याद रखें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है प्लेट वाली कमीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हिप हमारी 21 इंच की है तो उसका हाफ हमें 10.5 रखना है। बहुत ही सिंपल है, एक ही बारे में आप समझ जाओगे। अब उसके बाद हमें इस निशान से कमर वाले निशान तक इसको फुट्टे को ऐसे रखना है। आप इधर से फट्टी भी यूज़ कर सकते हो और सीधा फुट्टा भी यूज़ कर सकते हो। कमर से हिप वाले निशान तक आप इसको मिला लें और इसके नीचे तक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं घेरा वगैरह। मैं सिर्फ हिप तक दिखा रहा हूँ, नीचे का तो लंबाई में जिसकी जितनी लेंथ हो अपने हिसाब से रख सकता है। जैसे यहाँ 21 है, मैं यहाँ पर 21.5 करके उसका हाफ यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ। ये हिप के यहाँ से आपका कटिंग का हिसाब हो जाएगा, देखिए इस तरीके से निशान। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरीके से 200 निशान लगा लेंगे। अब ये तो हमने निशान लगा लिया अंदाजे से, अब यहाँ पर हम तकरीबन 2 इंच का निशान लगाएंगे, 2 इंच का कमर पे लगाएंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे, देखिए पूरा अच्छी तरह निशान दोस्तों लग चुका है, ये हमारा पूरा निशान लग गया। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको प्लेट का नाप लेना है इसके अंदर हर हालत में। तो प्लेट का मेजरमेंट कितना होता है, तो इस साइज़ में कभी कभी प्लेट आपकी 10.5 आएगी या 11 आएगी। मान लीजिए आपकी प्लेट 10.5 है तो आपको कैसे निशान लगाना है, 10.5 है तो आपको यहाँ पे 11 इंच में निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब आपको थोड़ा एक अंदाजे से ये निशान हमने लगा लिया, थोड़ी आगे तक और ले लेते हैं, ये हमारा निशान हो गया। अब यहाँ पर हमें प्लेट कैसे डालनी है, तो बहुत ही सिंपल है, 3.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच, ये हो गई प्लेट। अब ये जो 2.5 इंच की गैपिंग है तो यहाँ पर भी आपको इतना ही अंदाजे से एक निशान लगाना है, जो कि तीनों जो खाने हैं ये पूरे के पूरे इस तरीके से 2.5, ये पूरे 2.5 इस तरीके से ही आ जाए। तो बिल्कुल अंदाज़ा भी होता है कि आप अंदाजे से मार्क कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है इसको ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर 3.5 इंच का निशान यहाँ पर भी लगाना है, लेकिन उससे पहले लंबाई में यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाते हैं और यहाँ से हम दोस्तों 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं। तो ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मिला के, ये देखिए हमारा निशान हो गया। अब ये जो कमर का निशान है यहाँ पर, हम इससे तकरीबन जितना आपको कंफर्टेबल लगे, ज़्यादा तिरछा हो रहा है तो मत करो, आप थोड़ा सीधा लेके इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे दो निशान देखिए दोस्तों लग चुके हैं प्लेटों के, ठीक है। अब हमारा ये निशान है तो कैसे लगेगा, उससे पहले हम यहाँ पर जो है अपना फ्रंट का निशान रखते हैं। तो दोस्तों चेस्ट हमारी 20 इंच है तो 20 इंच में हम जो फ्रंट रखते हैं वो रखते हैं 6 इंच
छः इंच का हमारा आ जाता है फ्रंट। तो यहाँ पे हमने देखिए फ्रंट 6 इंच रखा है। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ये 6 इंच फ्रंट कैसे रखा है, तो दोस्तों एक वीडियो है जिसके अंदर हमने हर साइज़ के हिसाब से कितनी आर्म और लेंथ होगी, कितना फ्रंट होगा, ठीक है, ये सब कुछ उसमें बताया है। तो आप आई लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रंट 6 इंच लगा लिया, अब यहाँ पे आता है तीरा। तीरा 15 है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से आप तीरे का फार्मूला निकाल सकते हो। तो मैं बहुत सिंपल देखिए ऐसे निकालता हूँ तीरे का फार्मूला। तो तीरे का फार्मूला जैसे 15 में माइनस 2 यहाँ हो गया 13। ध्यान देखना मैं किस तरीके से निकालता हूँ। तो हमारा 13 इंच का जो तीरा हो गया वो हो गया बैक गला 5 इंच में, और हमारा बैक गला कितना है 7। तो ध्यान से देखिए अभी जो हमारा तीरा 15 था शुरू में, तो ये 15 में इंची टेप ऐसे रखता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए तीरा 15 था, इसमें हमने 2 इंच माइनस कर दिया, तो ये तो डबल में है, तो डबल में हम 1 इंच माइनस करेंगे, तो ये 6.5 इंच हो गया हमारा बैक गला 5 के लिए। अब हमारा बैक गला 7 इंच है, तो हम क्या करेंगे 6.5, तो हम एक बार 6.25 करेंगे, इसे हम कहेंगे 6, फिर 6 पे लेके आएंगे, ये हो गया हमारा 7 इंच। 7 इंच में हमारा तीरा 6 इंच का आएगा, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि अब देखिए मैंने निशान लगा दिया, ये आपका तीरे इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ये आपको पीछे वाली वीडियो आप देखोगे तो फुल डिटेल में आपको ये पता चल जाएगा। तो ये निशान लगाने के बाद इसको हम नीचे वाले निशान से ऐसे मिला के सीधा निशान लगाएंगे, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको आर्म होल की शेप दे देंगे, ठीक है, ज़्यादा नीचे से शेप नहीं देनी, इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई। गले का ब्रॉड रखेंगे, आप अपनी चॉइस से रख सकते हो, मैं ज़्यादातर इसके अंदर 6.25 रखता हूँ, 3 इंच में एक सूत कम, 6.25। इसके बाद गले का जो डाउन होगा यहाँ पे कंधी, इसको हम गले से कंधी को डाउन करेंगे 1/2 इंच, और इसको इस तरीके से मिला के दोस्तों यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों मार्क करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले ये वाला ध्यान दीजिए, ये जो निशान है ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा आपका आर्म होल में इस तरीके से, और ये हमारा निशान दोस्तों लग चुका, ठीक है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए देखिए हम इसे पहले सीधा कटिंग करेंगे, फिर डाउन में कटिंग करने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरीके से बिल्कुल निशान पे कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लें। फिर इसको बिल्कुल निशान पे आपने लगाया होगा, तो बिल्कुल निशान पे दोस्तों नीचे तक कटिंग कर लें। तो दोस्तों कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से जो है हमारा ये कटिंग हो जाता है। अब जहाँ जहाँ कट की ज़रूरत है हम वहाँ पे कट लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक पेपर और लिया है, और जो हमने फ्रंट कटिंग करा था, तो अब मैं आपको इसका बैक वाला हिस्सा जो है कटिंग करना बताऊँगा। तो देखिए हम इसको बिल्कुल बराबर से इसको मिला के रख लेते हैं, और ये कपड़ा नहीं है, पेपर है, तो थोड़ा मतलब हिलेगा भी, तो इसे आप कैसे संभालेंगे, अगर आप घर पर फर्मे बनाना चाहते हो तो इसको इस तरीके से ऐसे रख लो, ठीक है, कोई चीज़ रख लोगे वो हिलेगा नहीं, अब बिल्कुल ओके रहेगा। अब इसे कटिंग करना है, तो कटिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे शायद नहीं दिखता होगा, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये देखिए मार्क कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए जो मार्क कर रहा हूँ ये फ्रंट वाला हिस्सा है। तो कितना बढ़ा के लेना हमें, तो अक्सर हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि आप इतना एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से तो हमें बिल्कुल बराबर है कंधी, अब यहाँ से हमें डाउन करना है, और इस जगह से हमें तकरीबन 1 इंच के आसपास एक्स्ट्रा ले लेना, इस तरीके से देख सकते हैं आप, जो हमारा मार्कर है हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और इसको इस तरीके से दोस्तों कटिंग करना है, ठीक है। ये हमने 1 इंच ऐसे कटिंग कर लिया, अब नीचे तक बिल्कुल बराबर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने बिल्कुल इसको यहाँ तक कटिंग करने का नीचे तक बराबर कटिंग कर लिया है, बाकी लेंथ आप अपनी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना हिस्सा कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो मतलब प्लेट वाले सूट होते हैं वो किस तरीके से कटिंग होते हैं। तो नीचे मेरे लंबाई का मकसद नहीं है, तो आपको इतना हिस्सा ही समझना है जो मैंने आपको बताया है यहाँ से हिप तक। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, अब उसके बाद जहाँ जहाँ कट की ज़रूरत है हिप पे साइड में और यहाँ पर अपने गले के ब्रॉड का निशान लगा लीजिए, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा इतना एक्स्ट्रा कटिंग होता है, ठीक है। अब आपको किस तरीके से निशान लेने हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ये बिल्कुल बराबर है, तो अक्सर क्या होता है कपड़े में हम इस तरीके से कैंची लगाते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे ऐसे कैंची लगाते हैं, तो कैंची लगाने से क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपका खाली पेपर है, अब देखिए निशान लगाने से क्या है, दूसरी तरफ जैसे ही निशान उठ गए, तो ये बैक वाले में तो हमें याली प्लेटों का निशान लेना नहीं, तो बैक वाले में हमें सिर्फ एक निशान ये लगाना है, दूसरा ये लगाना है, और इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे, ये हमारा सेट हो गया। इसी तरीके से आप घुमाएंगे, क्योंकि ये तो अभी हमारा सिंगल है, लेकिन अगर हमारा पल्ला इस तरीके से मान लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल पेपर पे, तो जैसे आपका पल्ला ये है,
जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको दूसरी तरफ भी उठाना होगा। तो बैक वाले में कैसे करेंगे, हम डबल में ही रखें और इसको डबल में करने के बाद ऐसे रखें और दूसरी तरफ भी आपको इस तरीके से निशान लगाने हैं। और निशान लगाने के बाद सिंपल दोस्तों आपको इस तरीके से निशान लगा देने हैं। ये आपका प्लेटों का निशान हो गया बैक वाली। अब बैक वाले पल्ले को मैं हटा देता हूँ और अभी आपको बताता हूँ फ्रंट में। तो फ्रंट में भी जब आपका डबल में इस तरीके से कपड़ा होगा तो आपके निशान आप डबल में पकड़ के ऐसे रखें तो आप देखेंगे कि इस तरीके से निशान हमारे आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं जहाँ पे आएँ, ये देखिए। और आने के बाद जहाँ पे हमारे कट होते हैं उस कट पे हम इस निशान को जो है मिला देंगे इस तरीके से, ये देखिए। अभी हमारा निशान मिल चुका, ठीक है। मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अच्छी तरीके से प्लेट वाले सूट की कटिंग हो चुकी है। सिंपल इतना ही काम होता है। और जब हम प्लेट साइड की डालेंगे तो इसमें क्या होगा, एक पैर की मार्जिन हम इधर लेंगे तो डबल में हमारा ये दबेगा तो टोटल में ये आधा इंच कम हो जाएगा। जब आधा इंच कम होगा तो हम जब साइड जोड़ेंगे तो आपकी सिलाई किस तरीके से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आधा इंच का मार्जिन यहाँ कम होगा और सेम मार्जिन आपका यहाँ पर इतना कम होगा आधा इंच। तो यहाँ वाला जो हिस्सा होगा ना वो आपका इतना हटके आएगा, मैं बता देता हूँ, फ्रंट में आपका इतना हटके आएगा फ्रंट वाला हिस्सा। और ये जो साइड में जो आपकी हिप है, जो हिप का कट है, देखिए ये हिप का कट है, ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा जब आपका यहाँ से दबेगा आधा इंच के आसपास इस तरीके से, ये पेपर है मैं बता देता हूँ, तो आपका ये कट इधर आएगा, फ्रंट वाला कट आपका इस तरीके से आएगा। और ये आपका किस तरीके से जोड़ा जाता है अच्छी तरीके से, इसके लिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि प्लेट वाली कमीज को फिनिशिंग के साथ आप किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरे को समझाना था कि किस तरीके से आप प्लेट वाली कमीज को कटिंग कर सकते हैं। सबसे मेन नाप होता है इसमें प्लेट लेंथ का, तो ये नाप लेना ना भूलें, क्योंकि अगर आप प्लेट लेंथ का नाप लेना भूल जाएंगे तो आप इसकी कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।